अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं लाई हूँ चिकन की पाए या पंजी। पहले बनाना स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले मैंने दो मीडियम साइज़ टमाटर चॉप कर लिए और एक अनियन चॉप कर लिया है। अब मैं कुछ लहसुन और अदरक ग्रेट कर रही हूँ और ग्रेटर के तौर पे ये मैंने कद्दूकस लिया हुआ है जो कि मुझे बहुत यहाँ पे काम आता है हॉस्टल में। और ये है भी सस्ता सा, ये 25 रुपीज़ का आता है लेकिन काम बहुत अच्छा करता है और ये बड़े काम की चीज़ है। जिसके पास कुंडी डंडा ना हो वो ये, या मशीन ना हो, ग्राइंडर ना हो। यहाँ पे हमने क्रश कर लिया है लहसुन अदरक। अब हम अपने प्यारे से बर्तन में एक चम्मच घी डाल दिया है, इसे गर्म होने के लिए रख दिया है। जैसे ये गर्म हो जाएगा इसमें हम डाल देते हैं घी। कुछ हद तक गर्म हो चुका है, सॉफ्ट गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें ऐड करूँगी प्याज। हमने इसमें प्याज ऐड कर दिया है। प्याज हमारे जब तक थोड़े नरम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, तब तक सीख करते हैं। प्याज हमारे नरम हो चुके थे काफ़ी हद तक, फिर मैंने इसमें ऐड कर दिया अदरक और लहसुन का, जो हमने पेस्ट तो नहीं कहेंगे, क्रश किया हुआ। ऐसे क्रश करो तो भी बहुत अच्छा बनता है। मैं जब भी खुद कुकिंग करनी हो ऐसा ही करती हूँ। यहाँ पे अदरक लहसुन भी हमारा पक चुका है तो अब मैं इसमें डाल दूँगी दो दो मीडियम पतीले टमाटर थे वो ऐड करूँ ताकि वो भी जल जाए। मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ, चाहे चिकन का सालन हो या फिर चिकन से रिलेटेड कोई भी आइटम हो, मैं हमेशा ऐसे ही ट्राई करती हूँ। पहले मसाले करके इसमें ऐड करती हूँ, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। सबको ऐसा करते हैं कि वो चीज़ में पहले फ्राई कर लेते हैं, फिर बाद में चीज़ में मैं ऐसा करती हूँ। चीज़ें मेरी अम्मी ऐसे करती हैं तो मैंने भी उनको सीखा हुआ है। ये मैंने ये दो सब्जी मिर्चें काट ली हैं। अब मिर्चें भी मैं ऐड करने लगी हूँ ताकि इनका भी टेक्सचर पहले से ही आ जाए और अच्छा टेस्ट आए और चीज़ नमकीन बने। अब मैं इसमें अदरक का पाउडर डाला। अब हम मसाले को भून रहे हैं, इसमें काली मिर्च भी ऐड कर दी है, लाल मिर्च भी ऐड की है थोड़ी सी काली मिर्च, और इसमें थोड़ा सा मैंने जीरा भी, जीरा मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाला, बस एक चुटकी भर के डाली है ताकि अच्छा टेस्ट आए और जो गोश्त के साथ जिनकी स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाए। अब हमारा मसाला आलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मुर्गी के पंजे पाए। अच्छा, ये जो पंजे पाए हैं ना, ये मैंने सिर्फ 50 रुपीज़ के लिए थे जो कि तकरीबन 16 आए थे, पेयर में सिंगल 16। अभी हम इनकी भुनाई करेंगे और ये जब भुन जाएंगे तो फिर इसमें हम पानी ऐड करेंगे। अभी हमने थोड़ी देर इसमें अब मैंने इसमें एक कप भर के ऐड कर लिया था क्योंकि और कोई मेजरिंग नहीं था मेरे पास बर्तन, तो मैंने चाय वाले कप से ही। अब इसको हम ढक के कुछ देर पकाते हैं 10-12 मिनट के लिए। 10-12 मिनट हो गए इनको पकते हुए, अभी मज़ीद लगता है 5-10 मिनट और भी लगेंगे इस पानी को ख़त्म होने के लिए, तब तक वेट करते हैं। ये जी पानी हमारा ड्राई हो चुका है और कुछ इस तरह से हो रहा है। अभी थोड़ी सी मज़ीद इसकी भुनाई करेंगे और फिर हम इसे उतार देंगे। यहाँ जी बारिश हुई थी, बारिश के बाद का मौसम कुछ ऐसा था। और ये बन के हमारा खाना रेडी है, हम खा रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक।